दोस्तों नमस्कार, गेम ऑफ बिटकॉइंस के स्टीमिट ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था कि स्टीमिट पे अकाउंट कैसे बनाना है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसमें कैसे हेल्प लेनी है। दोस्तों आज के वीडियो में आपसे कवर करूंगा कि स्टीमिट पे पोस्ट कैसे डालनी है और उनको टैग कैसे करना है, तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं स्टीमिट के ऊपर तो गेम ऑफ बिटकॉइंस की स्टीम कम्युनिटी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आप अपने लिंक्स स्टीम इकोसिस्टम के शेयर कर सकते हैं ताकि पूरी कम्युनिटी आपको अपवोट कर सके, उन पर कमेंट कर सके, तो इससे आपको इनिशियली बूस्ट मिल जाएगा। पर यहाँ पे दोस्तों एक्सपेक्टेड ये है कि आपको पूरी एंगेजमेंट करनी है। किसी और की भी पोस्ट आ रही है तो आपको इक्वली पार्टिसिपेट करना है, उसको भी वोट करना है, उस पर भी कमेंट्स डालने हैं। अब दोस्तों ये है मेरा स्टीमिट का प्रोफाइल। यहाँ पे आपको मेरा नाम दिख रहा है और उसके अगेंस्ट एक नंबर दिख रहा है। दोस्तों ये नंबर है रेपुटेशन नंबर, मतलब कि मेरी रेपुटेशन स्टीमिट पे क्या है, वो है अभी 41। जब भी कोई नया अकाउंट बनता है तो हमारी रेपुटेशन होती है 25, जो कि डिफ़ॉल्ट रेपुटेशन है। जैसे जैसे हम पोस्ट डालते हैं, जैसे जैसे हमें अपवोट्स मिलते हैं, वैसे वैसे हमारी रेपुटेशन इंक्रीज़ होती रहती है। तो दोस्तों इस नंबर की और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये नंबर जितना भी बड़ा हो इससे आपको वोटिंग पावर में, वोट की स्ट्रेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ एक जनरल आइडिया देने की बात है कि जो प्रोफाइल आप देख रहे हैं उसकी क्वालिटी ऑफ पोस्ट क्या है, क्या लोग उसको पसंद कर रहे हैं कि नहीं। पर यहाँ पे मैं आपको एक कॉशन देना चाहूँगा कि 25 क्योंकि डिफ़ॉल्ट रेपुटेशन होती है, अगर आपकी रेपुटेशन 25 से नीचे चली जाती है, मतलब कोई भी अगर आपकी प्रोफाइल पे आएगा तो उसको लगेगा कि आपकी जो पोस्ट हैं वो ढंग की नहीं है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए आपकी पोस्ट बार बार फ्लैग हो रही हैं और आपकी रेपुटेशन डाउन हो रही है। तो क्या आप पोस्ट कर रहे हैं उस चीज़ का ध्यान रखिए। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है व्हाट नॉट टू पोस्ट, उस वीडियो को भी दोस्तों ज़रूर ध्यान से देखिए क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि क्या नॉर्मली पिटफॉल होते हैं और जो नॉर्मली नए लोग गलतियां करते हैं उनसे कैसे बचना है। तो उस वीडियो का भी लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दिया है। अब दोस्तों जब आपका प्रोफाइल बन जाएगा स्टीमिट पे तो आपके सामने एक अपना प्रोफाइल का पेज आएगा। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर पे एक पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा, तो उस आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा एडिटिंग स्क्रीन खुल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ टेक्स्ट डाल के रखा हुआ है। तो सबसे पहले होता है टाइटल, कि आपकी पोस्ट का क्या टाइटल है, आप क्या लिखेंगे उस पोस्ट में, उसके बारे में यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद आता है आपका कंटेंट, कि आपकी पोस्ट क्या है, और तीसरी चीज़ आती है टैगिंग। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ ये तीन ही फील्ड्स हैं। इसके बाद जब आप एंटर करके इसको पोस्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो पोस्ट है वो पब्लिश हो जाएगी। अगर आपको अपनी पोस्ट में कुछ इमेजेस डालनी है तो उसके लिए आपको इंसर्ट इमेजेस वाले इस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा जहाँ से आप इमेज अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पे डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में पोस्ट डालनी है, आप हिंदी, बांग्ला, किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पे पोस्ट डाल सकते हैं। अब अगर आपको अपनी पोस्ट को फॉर्मेटिंग करनी है, मान लीजिए कोई टेक्स्ट बोल्ड करना है, कोई इटैलिक्स में डालना है, तो उसमें फॉर्मेटिंग कैसे करनी है उसके लिए यहाँ पे एक मार्कडाउन स्टाइलिंग गाइड है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक आर्टिकल खुल जाएगा जहाँ पे आपको कमांड्स मिल जाएंगे कि आप टेक्स्ट लिखते समय क्या कमांड्स डालें ताकि आपका वो वाला जो टेक्स्ट है वो या तो हाईलाइट हो जाए या उसकी लिस्ट बन जाए या ऑर्डर हो जाए, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे, ब्यूटिफिकेशन ऑफ पोस्ट कैसे करनी है वो आप इस मार्कडाउन के आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। अब जो फाइनल चीज़ जो दोस्तों आपको ध्यान रखनी है वो है टैग्स। तो स्टीमिट पे 5 टैग्स अलाउड हैं, उससे ज़्यादा आप टैग्स नहीं डाल सकते, उससे कम डाल सकते हैं, और मिनिमम एक टैग तो आपको डालना ज़रूरी है। और जो भी आपका फर्स्ट टैग होगा वो आपकी मेन कैटेगरी होगी पोस्ट की। तो जिस भी बारे में आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें आप जो पहला टैग यहाँ पर डालेंगे वो आपकी कैटेगरी बन जाएगी, उसके बाद जो टैग्स होंगे वो डिस्क्राइब करेंगे पोस्ट को। तो करेक्ट टैगिंग बहुत ज़रूरी है स्टीमिट में। अगर आपका आर्टिकल और टैग्स मैच नहीं हो रहे, यानी कि बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मान लीजिए आपने कोई फोटोग्राफी की पोस्ट डालनी है पर आप उसको टैग कर रहे हैं बिटकॉइन, रिपल, क्रिप्टो करेंसी और फोटोग्राफी और उसका कोई लेना देना नहीं है, तो वो भी दोस्तों एक तरह से स्पैम माना जाएगा। तो उसको भी अवॉइड करिए क्योंकि उसके थ्रू भी आपकी जो पोस्ट है वो फ्लैग हो सकती है। तो टैग्स हमेशा ध्यान से डालिए। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि स्टीमिट पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर टैग्स कौन से हैं तो जब आप स्टीमिट के होम स्क्रीन पे जाएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे टैग्स दिखेंगे। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि सबसे ज़्यादा पोस्ट किस बारे में आ रही हैं स्टीमिट के ऊपर। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप नए नए स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इन टैग्स पे ध्यान दीजिए क्योंकि जितने ज़्यादा ये टैग्स पॉपुलर हैं मतलब उतने ज़्यादा आर्टिकल्स यहाँ पे आ रहे हैं, उतने ज़्यादा आपको वोट्स मिलने के भी चांसेस हैं क्योंकि उस टैग को, उस कैटेगरी को लोग सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। बट साथ ही साथ
इन टैग्स में सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी है, तो बेस्ट वो होगा कि आप इसमें से कोई ऐसा टैग चूज करें, उसके ऊपर टॉपिक लिखें जिसमें पोस्ट कम है पर रैंकिंग भी थोड़ी अच्छी है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। तो आप जब स्क्रीन पर स्क्रॉल करेंगे, लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा व्यू ऑल टैग्स, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे वो टैग्स आ जाएंगे जो स्टीमिट पे यूज़ हो रहे हैं, और हर एक टैग के अगेंस्ट कितनी पोस्ट हैं, कितने कमेंट हैं और उसके अगेंस्ट कितना अभी तक पे आउट हो चुका है वो आपको पता लग जाएगा। तो आप यहाँ पे आके कोई ऐसा टैग ढूंढ सकते हैं, उसके अराउंड पोस्ट लिख सकते हैं जहाँ पे आप पोस्ट कम है पर पे आउट ज़्यादा है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई ऐसा टैग है जहाँ पे पोस्ट कम है, तो अगर कोई स्पेसिफिकली उस टैग में, उस कैटेगरी में पोस्ट ढूंढ रहा है तो आपकी पोस्ट भी सामने आ जाएगी। हालांकि मैं ये कहूँगा कि इस चीज़ पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो चीज़ है वो आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, बाकी आपकी जैसे जैसे रेपुटेशन बिल्ड होती रही, जैसे जैसे आपको वोट्स मिलते रहे, तो ये टैग्स भी लास्ट में मैटर करना बंद कर देंगे। ये सिर्फ शुरू के लिए है कि आपको अगर अपने ब्लॉग की क्वालिटी अच्छी रखनी है तो, और एक नीच क्रिएट करना है, तो आप ऐसे टैग्स चूज़ करिए उसके अराउंड अगर आप कुछ लिख सकते हैं उस टाइप की पोस्ट डालिए ताकि आपकी विजिबिलिटी बढ़े स्टीमिट ब्लॉग पे। पर ये जो स्क्रीन है स्टीमिट टैग्स का, ये काफ़ी सही है क्योंकि इससे आपको पता लग जाता है कि आजकल क्या ट्रेंडिंग चल रहा है स्टीमिट के ऊपर। आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, पोस्ट से सॉर्ट कर दीजिए, कमेंट से सॉर्ट कर दीजिए, पे आउट से सॉर्ट कर दीजिए। सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइव जो टैग है वो चल रहा है, तो इसके अराउंड देख सकते हैं कि 10 लाख से ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट्स हैं। अब फाइनल चीज़ जो है दोस्तों वो है, अगर आपका वीडियो है, अगर आपकी टेक्स्ट पोस्ट नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप DTube यूज़ करिए। DTube में जब आप पोस्ट करेंगे अपना वीडियो, जब आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे एडवांस्ड में जाएंगे तो यहाँ पे एक स्टीम आर्टिकल बॉडी आपको दिखती है। तो जब आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके अगेंस्ट अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप स्टीमिट पे डालेंगे। आप चाहें तो जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसको एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पे स्टीम आर्टिकल बॉडी में डाल दीजिए। तो स्टीमिट पे जब वो ब्लॉग पब्लिश होगा तो आपका वो टेक्स्ट भी आ जाएगा और वहाँ पे वो वीडियो भी डिस्प्ले कर देगा। तो दोस्तों ये था आज का ट्यूटोरियल, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, इससे आपको हेल्प मिली होगी। इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।